श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में छठी प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान बंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोच ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी लसूड़ी मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा स्थित दर्शन लाल के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में दर्शन लाल, यमुना देवी, चमन लाल और रंजीत कौर ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, प्रदीप थापा, पवनत्री, बलबीर लोच, रतन लाल, चमन लाल पाठी, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला तो चल के पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए बहु चमन लाल जी उन्होंने ग्रह फिके पहुंची है। घर परिवार ने आए हुए प्रभात फेरी का बहुत मान सरकार किया है। चाह पानी के लंगर की सेवा की है, 1100 दमड़ा सेवा कराई है और बहुत सारिया अरदासा कराईया हैं परिवार ने। असी सतगुरु रविदास महाराज चरणा च बेनती करते हैं, अरदास करते हैं सच्चे पातशाह जी इस परिवार से हमेशा मेहर भरे हाथ रखना, तंदुरुस्तियां बख्शना, ताकि ये परिवार हमेशा गुरु घर के नाल जुड़िया रहे। और महाराज जी के जन्मदिन के जो कि 5 तरीक न आ रहा है, 4 तरीक न पवित्र शोभा यात्रा है। सो सारू सारे इलाके बेनती है कि महाराज के जन्मदिन से असी रल मिल के चलना है। सर्व समाज ने खुशियां मनानिया हैं, असं सारिया ने बड़े प्यार महाराज जी का जन्मदिन मनाना है। सारे जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।